नमस्कार दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा ब्रेविया 3 है। ये 2024 की न्यू लाइनअप है। इनफैक्ट गाइज, आप ऐसा समझिए 82 की सक्सेस स्टोरी जो है वो एक ग्रेट टीवी थी 2023 की। इनफैक्ट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, जो ग्रेट सक्सेसफुल मार्केट में और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ प्रोडक्ट बिकी है, तो उसका सक्सेसर है ये, उसी की ब्रेविया 3 उसके जगह पे चेंज करके कंपनी ने इस साल पूरी लाइनअप चेंज की है। जैसा आपको पता है ब्रेविया 2, 3, 7, 8 और 9 इस तरह से सीरीज आई है, तो ये सारी सीरीज के अंदर में कुछ स्पेशल इफेक्ट एंड कुछ स्पेशल चेंजिंग के साथ प्रोडक्ट है। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारे सो गाइज अनबॉक्सिंग करते हैं ब्रेविया 3। जैसा आपको दिख रहा होगा ब्रेविया 3 है, 2024 की न्यू लाइनअप है। तो इसको मैं ऑलमोस्ट ओपन कर चुका हूँ गाइज, इसको साइड करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। ये ब्रेविया 3 आपको ओपन करके मैं माउंट कर दिया हूँ, बिकॉज इसमें स्टैंड नहीं होता है। आपको इस बार जो सोनी ने चेंजिंग किया है, वो मेजर चेंजिंग ये है कि आपको ऑप्शनल है, आइदर आप टेबल पे माउंट कर सकते हैं या आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है। सो फिलहाल मुझे ये डेमो के लिए अपने खुद लगाना था, तो मैं अपने वॉल पे हैंग कर लिया हूँ। अगर घर पे आपको टेबल पे लगाना है, तो आप इंजीनियर को टेबल के लिए बोलेंगे, जो साथ में आपको वारंटी पेपर आता है। इस वारंटी पेपर में आपके कूपन इनबिल्ट होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये कूपन इनबिल्ट है, जिसके अंदर में आप ये कूपन फाड़ के इंजीनियर ले जाएगा, जिसके थ्रू आपको ब्रैकेट एंड डेमोस्ट्रेशन इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें फ्री होती है। तो जब कूपन आप ये स्नैप फाड़ के देंगे, तो उसके साथ में आपको स्टैंड, टेबल स्टैंड, आइदर आपको वॉल माउंट, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। सो एक चीज़ें मिलेगा। अगर दोनों चीज़ रखना है, तो आपको पैसा एक के पे करना पड़ेगा गाइस। इसके साथ में कुछ आपको यूज़र गाइड आ जाती है, जो कैसे इसको माउंट करना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें हैं। सो इसका आपका काम नहीं है, तो इंजीनियर का काम है। दो पेंसिल साइज बैटरी आ जाती है, जो रिमोट में आप यूज़ करने वाले हैं। गाइस ये रिमोट है, तो रिमोट मैंने आपको आगे दिखा देना है। एक यूज़र मैनुअल आपको साथ में आती है। तो मैं टीवी आपको माउंट करके रखता हूँ। सो अनबॉक्सिंग ऑलमोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट मिलने वाली है साथ में। सो गाइस ब्रेविया 3 का प्रोडक्ट इन्फो जो आपको कवर करने वाले हैं, इसकी पिक्चर की क्वालिटी आपको कैसी मिलेगी, साउंड क्वालिटी कैसे मिलने वाली है, गेम एंड यूटिलिटी क्या क्या है, एंड अदर फीचर इसमें बहुत सारे हैं, वो सारे ऊपर मैं कवर करें, तो मेरी इस वीडियो में आप बने रहिए गाइस। तो गाइस बात करने वाले हैं पिक्चर क्वालिटी की, जो सोनी की महारत। तो गाइस ब्रेविया 3 का जो मेन पावर है, वो पावरफुल प्रोसेसर है इसका, जो X14K HDR प्रोसेसर है। गाइस कैसे ये काम करता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR रीमास्टरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। सुपर बीट, एक एक छोटी छोटी जो डॉट होती है उसको बीट बोलते हैं, उस बीट की मैपिंग पे 4K HDR टेक्नोलॉजी और आपके स्केलिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, इस पर बेस ऑन रहती है। आपको ऐसे भी पता होगा कि सबसे जो बेहतरीन अप स्केलिंग होती है, उसके उस सोनी की टीवी में होती है। जो नॉइसी वीडियो रहता है, उसको इन्हांस करके 4K में वीडियो दिखाने की कैपेसिटी इसी प्रोसेसर की खासियत होती है। डायनेमिक कंट्रास्ट इन्हांसर है। सो नॉर्मली किसी ऐसी जगह जहां डायमंड है, वहां इन्हांस करके कंट्रास्ट दिखाना, तो ये पावर केवल इस प्रोसेसर में है। तो ये कुछ खूबियां हैं जिसके वजह से ये दमदार मशीन टीवी चल। सो गाइस आपको पता होगा सोनी की जो ट्राई लुमिनस टेक्नोलॉजी है, इनकी अपनी ओन इनोवेशन टेक्नोलॉजी है, जो कलर इन्हेंसमेंट के लिए और जो वाइट कलर गेमिंग एंड 3D कलर एल्गोरिथम के टेक्नोलॉजी पे बेस ऑन डिज़ाइन की हुई है। तो इसकी जो इन्हांस करके कलर रिचनेस करता है, वो अल्टीमेट निकल के आती है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर भी आती है। तो ये आपको जो कलर कंट्रास्ट एंड HDR10 है, इनके एक नेक्स्ट लेवल की आपको पिक्चर दिखाने की कैपेसिटी बनती है। गाइस आपके सामने देख रहे हो लाइट सेंसर, इस टेक्नोलॉजी के साथ में आप ब्राइटनेस इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो एम्बियन ऑप्टिमाइजेशन आपको रीडिफाइनिंग आपके रूम के अनुसार, आपके ब्राइटनेस रूम के अंदर जैसा रहता है उसके अनुसार आपको ऑटोमेटिक इन्हांस कर लेता है, इस टीवी की ये खासियत है। सो गाइस साउंड के ऊपर मैं बात करते हैं। सो गाइस साउंड क्वालिटी अल्टीमेट निकलती है सोनी के अंदर, आपको जैसा दिख रहा होगा क्लियर मल्टी डायमेंशन साउंड के साथ है। डॉल्वी एटमोस मिलता है इसके अंदर में आपको। सो गाइस एक्स बैलेंस स्पीकर प्लस डुअल बेस रिफ्लेक्टर के साथ में आपको स्पीकर की जो पोजीशनिंग है, वो ऐसा पोजीशन किया हुआ है, आपको सामने एक छोटी सी चार्ट दिख रही होगी, D2, C1, C2 एंड D1
ये पोजिशनिंग स्पीकर का कि आपको इसके इस डिजाइनिंग के वजह से आपको साउंड जो है ऑल राउंड मिलने वाला है, आपको सारी पोजिशन आपको सारी जगह लगेगी जैसे साउंड निकल के आ रही है। तो ये स्पीकर का जो पोजिशनिंग है वो बड़ी जबरदस्त सेटअप की हुई है जिसके वजह से डॉल्बी एटमॉस आपको जनरेट करके मिलने वाली है साउंड इसके अंदर में। सो इस टीवी में आपको गेमिंग का एक नेक्स्ट लेवल का मजा मिलने वाला है। जैसा आपको इस टीवी में सामने दिख रहा होगा गाइस, हाई इंपैक्ट गेमिंग PS5 में आप जब खेलते हैं HDMI 2.1 रिक्वायर्ड होता है, जो इसके अंदर में बखूबी आपको 4K 120fps की स्पीकेशन के साथ में HDMI 2.1 वर्क करता है, जो आपको स्मूथ वर्किंग गेमिंग के लिए स्पेशली डिजाइन पर्पस मिल जाता है। सो गाइस, ऑटो गेमिंग मोड इसके अंदर आपको मिल जाती है। ऑटोमेटिक गेम जब मोड में ऑन करते हैं तो पिक्चर की जो क्वालिटी होती है एनहांस होके आपको गेम मोड में चल जाती है। सो गेम की जो रिक्वायरमेंट है, जो रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, उसके अनुसार ऑटोमेटिकली टीवी आपको स्विच ऑन हो जाती है। गाइस, इसमें ALLM मिलता है और ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है। आपको पता है जो आपको बैरियर रहता है, लैकिंग करती है, उस टीवी में आपको एकदम से नहीं मिलने वाली, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा गेम रन कर रही है। गाइस, गेम मेनू मिल जाती है जो 2023 की वर्जन में लॉन्च हुई है, लेकिन इसमें और इन्हांसमेंट करके वेरिएबल रेफरेंस VR और बाकी चीज़ें काफ़ी सपोर्टिंग मिल जाती है। आपका कर्सर का सेटअप करना है, ब्लैंक इक्वलाइजर सेट करना है, स्क्रीन की साइज सेटअप करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसके गेम मेनू के अंदर में कॉन्फिगर करने मिल जाता है। तो ये गेम में एक नेक्स्ट लेवल का आपको मजा मिलता है इसके साथ। सो गाइस, इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत जो है वो आपको PS रिमोट प्ले आप यूज़ कर सकते हैं। इस टीवी में आप PlayStation 5 का केवल जॉयस्टिक लगा के इस टीवी के साथ कनेक्ट करके और आप गेम का मजा ले सकते हैं। स्ट्रीम PlayStation गेमिंग आप ब्रेविया के साथ गेम खेल सकते हैं, तो आपको कोई PlayStation का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो केवल इसमें इन्हांस करके और इसके अंदर जो बिल्ट इन गेम आपको मिलती है वो डाउनलोड करके खेल सकते हैं। इस तरह की वीडियो मेरे आपके गैलरी में आपको मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा, जो इसमें आप PlayStation ऐड करके आप एंजॉय कर सकते हैं अपने टीवी के साथ। सो गाइस, अब बात करने वाले हैं यूजर इंटरफेस का, जो UI इसके अंदर में लोडेड मिलता है। सो गाइस, टीवी के अंदर आपको गूगल टीवी मिलता है, जो इजी एंड क्लियर UI आपको यूजर इंटरफेस मिलता है, जिसके आप मोबाइल को एज अ रिमोट बना सकते हैं। वॉइस बहुत जबरदस्त गूगल असिस्टेंट आपको वर्क करता है। 4 लाख के आसपास में आपको मूवी एंड टीवी एपिसोड नमसम 10,000 एप्लीकेशन गेमिंग के साथ आपको अवेलेबल मिल जाती है। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है गूगल टीवी के अंदर, आपके मूड के अनुसार, आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार चीज़ें आपको सामने दिखती है, तो आप पर्सनलाइज लगता है चीज़ें, टीवी आपकी अपनी ही होने। सो गाइज, मैं इसकी की बात कर रहा था कि आप सोनी टीवी के अंदर में आप गेमिंग खेल सकते हैं, गेम डाउनलोड करके, जो गेम आपको सामने दिख रही है, आप जॉयस्टिक PlayStation का ऐड करके मजा ले सकते हैं, आपको एज ए PlayStation की तरह एंजॉय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस टीवी के अंदर प्रोसेसर के अंदर इतना ताकत है कि आपको शानदार गेम आप प्ले कर सकते हैं, जैसे गेम PlayStation 3 और 4-5 में आप खेलते हैं वैसे ही आपको महसूस होने वाला है। इस टीवी की दम की बात है ये। तो गाइस, गूगल किड्स मोड है, आप किड्स मोड जब सेट कर देते हैं तो केवल बच्चों से रिलेटेड चीजें सामने दिखती हैं। सो गाइस, यहां आपको डिफरेंसेस हो जाता है, जो सोनी पिक्चर कोर, जो स्पेशली ब्रेविया कोर इसके अंदर मिलता है, वो टीवी को आपको डिफरेंट कर देता है, बिकॉज ये नेक्स्ट लेवल की आपको मूवी इसके अंदर देखने मिल जाती है। सो गाइस, नाउ रेडी फॉर VIP ट्रीटमेंट के लिए, जिसके अंदर आपको ब्रेविया कोर में 5 मूवी 12 मंथ के अंदर में देखने मिलता है, जो आपको 80 Mbps का स्ट्रीमिंग हाई क्वालिटी पिक्चर के साथ में, जिसमें DTS, डॉल्बी एटमॉस, इस तरह की जो मूवी होती है 4K रिलेटेड हाई 80 Mbps में आपको प्योर स्ट्रीमिंग में आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो ब्रेविया कोर के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स का भी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 20-25-40 तक मैक्सिमम US चलता है। तो अगर आप एक नेक्स्ट लेवल की अगर OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी देखना चाहते हैं तो ब्रेविया कोर पे आपको देखने मिलता है, जो इस प्लेटफॉर्म पे आपको मजा ही आ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की चीज़ें मिलती हैं। ब्रेविया 3 में आपको अदर फ्यूचर बहुत सारे मिलने वाले हैं, सो स्पेशली ब्लूटूथ में आपको A2DP फंक्शन जो है वो आपको स्टूडियो मोड में मिलने वाला है स्पीकर के अंदर, जो हेडफोन आप लगा के नेक्स्ट लेवल में आप इंजॉय कर सकते हैं हेडफोन को। इसके अंदर में गाइस इको डैशबोर्ड मिलने वाला है, सो पावर सेविंग के ऊपर में काफी वर्क किया गया है, और आप
इको फ्रेंडली आपका मटेरियल यूज़ किया गया है इसके अंदर में। सो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के प्रोडक्ट बनाती है, जिसके वजह से प्राइसिंग जो है अपग्रेड होती थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान अदर ब्रांड नहीं रखते हैं, तो ये सोनी की खासियत है। सो कास्टिंग गाइज आपको एप्पल एयरप्ले में भी मिल जाता है, क्रोम कास्ट बिल्ट इन मिलती है, तो दोनों चीज़ें के साथ आपको कास्टिंग यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज यहाँ आपको मेन खासियत सोनी का दिखता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी लंबी होती है। सोनी क्यों लंबा चलता है, इसके पीछे यही रीज़न है। एक्स प्रोटेक्शन प्रो लगा रहता है, जिसके अंदर में आपको डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, सर्ज प्रोटेक्शन लगा रहता है, इनफैक्ट 2 KBA तक की सर्ज प्रोटेक्शन लगी रहती है। आपको जो लाइटिंग की है वो 15 KBA तक अगर लोड आता है तो वो प्रोटेक्ट मोड में चल जाता है। ह्यूमिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग लगी रहती है, तो ये जो खासियत है इसके वजह से सोनी स्पेशल हो जाता है। सो गाइस आपके सामने रिमोट दिख रहा है, इनफैक्ट रिमोट में कोई चेंजिंग नहीं है, जो 82 वर्जन में जो रिमोट आती थी, आपको सोनी पिक्चर की कोर मिल जाती है, नेटफ्लिक्स है, डिस्नी है, प्राइम वीडियो है और यूट्यूब एंड सोनी लीव, ये 4 बटन आपको 6 की आपको हॉट की मिल जाती है, जिसको आप प्रेस करते हैं उस मॉडल में चल जाते हैं। स्पेशली इस टीवी के साथ में 3 महीने की सोनी लाइव आपको प्रीमियम वर्जन मिलती है, तो सोनी जब आप परचेस करते हैं लाइक ब्रेविया कोर मिल जाता है, इनके अलावा सोनी लाइव मिलती है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इस सोनी के साथ प्रोडक्ट के साथ आती है। सो गाइज आपको अभी 2 मॉडल ब्रेविया 3 में लॉन्च हुआ है, 55 इंची की जो प्राइसिंग है 1,29,900 MRP है, लमसम 93,990 में बेचने का जैसे प्राइसिंग है, 87,400 में आसपास आ जाता है, कार्ड फार्ड स्वैपिंग वपिंग करके लमसम 82-83 के आसपास आपको मिलने वाला है, माइनस करके 80 के अंदर आपको मिल जाता है, प्राइसिंग चेंज होते रहती है। 65 इंची की प्राइसिंग आपको सामने दिख रहा है 1,64,900 है, DP 1,29,000 में लमसम आपको जो मिलने वाला है 1,15,000 रुपये, इसमें भी कार्ड फार्ड लगा के आपको 1,10 के आसपास आपको 1,05 के आसपास में प्राइसिंग आने वाली है। प्राइस चेंज होते रहता है, इसलिए प्राइस के ऊपर में बात करना बड़ा मुश्किल है। सोनी की जो टीवी की पिक्चर क्वालिटी होती है, ऐसी मैं फ़ैन नहीं हूँ, और ये टीवी कोई मुकाबला नहीं होता मार्केट के टीवी में, जो पिक्चर आपको निकल के बाहर आ रही है, ये आपको 450 निट्स ब्राइटनेस के साथ में डायनेमिक इन्हेंसर इसमें लगा हुआ है, जो 600 निट्स तक आपको इन्हेंस करके ज़रूरत पड़ने पर डायनेमिक कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट हो जाता है, जिसके वजह से 600 तक सम जगह आपको जरूरत पड़ने से इन्हांस कर लेता है। IPS डीलेट पैनल इसके अंदर इंटीग्रेटेड लगा हुआ है, 8-bit FRC पैनल के साथ ये प्रोडक्ट आता है, डायनेमिक रीडिफाइन कंट्रास्ट इन्हांसमेंट के साथ जो कलर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ट्राइलुमिनस का कमाल है, जो आपको एक एक चीज नेचुरल लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज इन्हांस हो गया है, कोई चीज कम है और ज्यादा है, ये इसकी खासियत है टीवी को, जो एक्चुअल चीजें जो ओरिजिनिटी चीजें हैं वो ओरिजिनेट करके आपको चीजें सामने रखता है। ये जो कंपेयर करते हैं ब्लैक एंड जो ब्राइटनेस की कॉम्बिनेशन, ये टीवी सोनी के टीवी में ही आप देख सकते हैं, अदर ब्रांड में कुछ चीजें मिसिंग होगी, कुछ चीजें दिखती हैं, वैसा इस टीवी के अंदर आपको कतई नहीं दिखने वाला आता है। ये सोनी की नाक है, इनफैक्ट बोल सकते हैं यहां से सोनी रियल मुझे समझ में आता है स्टार्ट होता है इस टीवी में। वो सारी चीजें आपको टीवी सोनी की दम दिख जाती है, जहां लगता है यस इसको परचेस करने में आपको सिनेमेटिक इफेक्ट जो घर पे आपको मिलने वाला है वो भरपूर मिलने वाला है, कहीं से कुछ चीजें मिसिंग नहीं होने वाली है। इसके ऊपर और जो वर्जन है उसमें स्पेशली मिल जाता है चीज़ें, साउंड क्वालिटी जो डॉल्बी एटमोस निकल के आती है इसके अंदर में साउंड ऑल द साउंड मिलना है, पिक्चर जो इन्हांसमेंट आता है पिक्चर कोर जो आपको ब्रेविया कोर है, स्पेशली आपको IMAX काइंड ऑफ मूवी आप देख पाते हैं इस टीवी के अंदर में, जो इस टीवी की खासियत है। 80 MBPS स्ट्रीमिंग में नॉर्मल जो आपको नेटफ्लिक्स होता है 15-40 MBPS तक ही चलता है, इसमें वो सारी चीज़ें खूबियाँ बिल्ट इन मिलती है इस टीवी के अंदर में। गेमिंग एंड स्पेशली आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो अल्टीमेट इसमें निकल के आती है, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ऑपरेशन करने में कोई हैसल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज कि जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं गूगल वैसे ही आपको टीवी में मिलती है, जो अदर ब्रांड में कहीं कहीं ये चीज़ें मिसिंग हो जाती है। सो ये जो टीवी सोनी परचेस करते हैं आपको सबसे बड़ी खासियत उसके अंदर भी मिलता है कि आपको यूजर इंटरफेस मार्वलस हो जाता है, मजा आता है आपको रन करने में। सो गाइस HDR10 रीमास्टरिंग का टेक्नोलॉजी है जो आपको सोनी के अंदर इनोवेशन के साथ मिलता है, और ये जो पिक्चर ब्लैक के साथ में जो ब्राइटनेस आपको दिखती है वो अदर टीवियों में आपको मिसिंग होती है। सेम वीडियो अगर आप रन करते हैं तो इस क्वालिटी की इस तरह से पिक्चराइजेशन आपको नहीं मिलती है, ये कंट्रास्ट इन्हांसमेंट के साथ